हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए मैं फिर से एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ प्रज्ञा है। प्रज्ञा ने अभी CMA क्वालिफाइड किया है और इनका सिलेक्शन ऑफ कैंपस में हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस की स्टोरीज की डिमांड कर रहे थे, और लाइक वो भी स्टोरी चाहिए थी कि जिनके अटेम्प्ट लगे हो तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय प्रज्ञा, कैसे हो आप? हेलो हेलो सर, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, एंड थैंक्स कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो। ये तो सर आपने इतनी हेल्प करी है तो इसलिए थोड़ा सा तो बनता ही था। ओके, ग्रेट। अच्छा, प्रज्ञा, जब आपने CMA स्टार्ट किया तो आपको कैसे CMA कोर्स के बारे में मालूम हुआ और आपने कैसे अपनी CMA जर्नी स्टार्ट की? CMA जर्नी मैंने ऐसे स्टार्ट की क्योंकि मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मीन वाइल क्या हुआ, मुझे किसी मेरे सीनियर से पता चला कि CMA भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ना बहुत जैसी स्टूडेंट थी, थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा जिनको स्लो समझ में आता है, तो हाँ एग्जैक्टली वैसा ही था मेरे साथ। तो फिर मुझे उन्होंने क्या करा, मुझे उन्होंने गाइड किया कि ठीक है तुम्हें इसको परस्यू कर लेना चाहिए। और उसमें मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिले क्योंकि मेरे को फाउंडेशन से स्टार्ट करना था उस टाइम, और मेरा अकाउंटिंग थोड़े से बेसिक्स भी थोड़े गिले हुए थे ऑनेस्टली। और वो चीज हाँ मेरे को लगा नहीं कि हो जाएगा, बट जब मैंने फाउंडेशन में आई और मुझे इंटरेस्ट आया और फिर वो क्लियर हुआ, देन इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, देन आई थॉट ठीक है ये मेरी स्ट्रीम है, मुझे इसमें जाना है, मेरा इंटरेस्ट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनप्लान चीजें भी ठीक हो जाती है। ये तो है डेफिनेटली। तो आफ्टर दैट, जब आपने कौन सी ईयर से अपने CMA अपने स्टार्ट की थी? 2000। मैंने फाउंडेशन 2018 दिसंबर में दिया था। एटीन में हाँ आपने उसके बाद फाउंडेशन मैंने स्टार्ट इंटर किया था? ओके। हाँ जी उसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड ग्रुप मैंने 2019 में दिए थे, वो मेरा क्लियर हो गए थे। और फिर उसके बाद एंड कोविड हैपेंड तो अनफॉर्चुनेटली मैं एक बोर्ड ग्रुप फाइनल नहीं दे पाई, इसीलिए 2020 में मेरा फिर ग्रुप 4 हुआ, देन मेरे अटेम्प्ट्स लगे। तो वो मेरे लिए बहुत एकदम हाँ बहुत ही ज्यादा ऐसा डिसहार्टनिंग सा था कि यार अभी तक आज तक तो फेल नहीं हुआ है, 12th में फेल नहीं हुए हैं, ठीक है इसके बाद ग्रेजुएशन में फेल नहीं हुए हैं, इंटरमीडिएट में भी नहीं हुए जब बोथ ग्रुप देना था, अब क्यों हो रही हूँ जब सिर्फ एक ग्रुप रहता है। तो वो ऐसा था कि बैक टू बैक फेलियर मिल रहे थे, तो बहुत ही चैलेंजिंग था वो मेरे लिए। तो वो कितने अटेम्प्ट्स, ग्रुप 3rd में आपके अटेम्प्ट लगे, राइट? हाँ राइट, ग्रुप 3 में आई विल टेल यू द होल स्टोरी। ग्रुप 3 में क्या हुआ है मेरे साथ, ग्रुप 3 में मेरे को 3-4 अटेम्प्ट लगे आई गेस, और ऑनेस्टली हाँ इतने ही लगे हैं। और ऐसा होता है ना, सब लोग बोलते हैं और जो भी वीडियो देख रहा होगा मैं उनको बोलना चाह रही हूँ कि लोग बोलते हैं अटेम्प्ट अटेम्प्ट मैटर करते हैं, नहीं तुम अगर हार्ड वर्किंग हो तुम अपना चीज अपने आपको प्रेजेंट करना दिखा सकते हो तो कुछ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते। मेरे 4 अटेम्प्ट लगे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ये है कि फर्स्ट, और मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगी मेरे किसी स्टेंट को भी नहीं बताया वो तो सर ने बोला है कि मोटिवेट करना है लोगों को, बच्चों को। तो मैं सच में ऑनेस्ट स्टोरी बता रही हूँ कि फर्स्ट जो था मैंने 2 पेपर दिए, उसके बाद 2 पेपर छोड़ दिए क्योंकि मैं डर गई ग्रुप 3 में, मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगी और मैं फेलियर कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगी क्योंकि मैं आज तक फेल नहीं हुई हूँ। और मेरे घर वालों को लगा ये तो CMA बन चुकी है, इसका तो एक ग्रुप बचा है, बस हो गया सब हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट करना फेलियर को बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि पहला ग्रुप जब मैं अपियर हुई तो वो ऑनलाइन था, सेंटर पे जाके देना था, मैंने सिर्फ 2 पेपर दिए हैं और 2 पेपर मैंने नहीं दिए, ये मेरे किसी फ्रेंड्स को भी नहीं पता है। तो हाँ तो 2 पेपर में मैंने लास्ट 2 पेपर जब हुए थर्ड फोर्थ में मेरा हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे को देना ही नहीं है, मैं रोने लग गया, मुझे लगा नहीं देना क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेंटली मेरे को प्रेशर दे रहा था कि मेरे को नहीं, मेरे को अपीयर ही नहीं होना है। फिर नेक्स्ट मेरे को मैंने वो रिजल्ट भी चेक नहीं करा था, बहुत बाद में चेक करा कि उन्होंने ठीक है पास हो गई, 40 अबव है बट शायद अपीयर हो जाती तो पता नहीं फेल होती या पास होती। फिर नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट दिए, 2 बार और अटेम्प्ट दिए आई गेस, हाँ 2 बार और अटेम्प्ट दिए थे और फिर उनमें मैं फेल हो गई।
और मैंने दोनों बार वेरिफिकेशन भी करवाया है इस होप से कि शायद कुछ वो हो जाए कि मैं नंबर पास हो बढ़ जाऊँ। जाए। हाँ, पास हो जाओ। तो थोड़े बहुत वो कितने करेंगे नंबर्स आए थे उसका जब आपने रीवेरिफिकेशन के लिए डाला था? वो आई गेस 50, एक में 55 था और 58 समथिंग था, तो इसलिए मैंने डाला था कि एटलीस्ट एग्जेम्पशन तो मिल जाए, अगर मैं क्या बोलते हैं अगर पास नहीं भी हो रही तो एग्जेम्पशन तो मिल जाए मुझे। ओके ओके। अच्छा, आफ्टर दैट, तो लाइक ये जब ये 3-4 अटेम्प्ट लग गए थे, तो आपको कहीं ना कहीं एक माइंड सेट हो रहा था कि यार क्या हो रहा है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी या क्या होगा, ऐसा कुछ फील आ रहा था? वो तो ऑब्वियसली आता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो भी पाएगा, अब मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, अब हो गया शायद मैं CMA मैंने गलती से चूज कर लिया और शायद नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। बट इस पूरे उसमें अच्छी बात ये थी कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही थी, लाइक गो फॉर इट, क्योंकि सिलेबस भी चेंज होने वाला है तो गो फॉर इट, एटलीस्ट अपीयर हो जाओ और देन देखते रिजल्ट क्या आता है। तो ये था कि मेरे को, मैं ना एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं ना स्टार्टिंग में ना 2018 या 2019 से अपनी स्टोरी बना रही थी मेरी CMA जर्नी की। मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाती थी कि अगर इवन तो मैं अगर पढ़ाई के लिए रो भी रही हूँ तो मैं वो भी बनाती थी, तो पढ़ रही हूँ तो छोटी छोटी ऐसा अपने आप को बोल के मोटिवेट करके कि फ्यूचर प्रज्ञा देखेगी तो कितना प्राउड फील करेगी कि तू CMA बन गई है और यू हैव बिन थ्रू दैट। ओके तो ये, हाँ ये मेरे को लगा, और ये 5 साल की मैंने स्टोरी बना रखी है, मेरे पास ये भी है रिकॉर्डेड छोटी छोटी क्लिप्स की, अब पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं, ये प्रेशर आ रहा है। तो ये था, मुझे बैक ऑफ द माइंड तो पता ही था कि क्लियर हो जाएगा, बट फेलियर मैं थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लगा कि यार छोड़ देते हैं नहीं हो रहा है तो। बट फिर ये हुआ कि सबने भी सपोर्ट किया और इवेंचुअली ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि वो था ना एक क्रेज हो जाता है कि नहीं अब तो CMA लेके नहीं जाना है, CMA डिग्री आगे लेके CMA वो जो अब नाम क्या के लगाना है सब कुछ भी हो जाए, Yes. चाहे मैं अनएम्प्लॉयड रहूं पर मुझे CMA अपने नाम के आगे लगाना है कितने भी अटेम्प्ट्स लग जाए। Okay. So, जब आपका इस अटेम्प्ट में रिजल्ट आया, 26 फेब को रिजल्ट आया था, लाइक मॉर्निंग में रिजल्ट आया था, तो आपका लाइक कैसे आपको अपने रिजल्ट का पता चला और सिचुएशन, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? ओके तो 26 सितंबर को आई गेस हमारा रिजल्ट आया था लास्ट। हाँ हाँ जी, तो फिर क्या हुआ कि मेरे को ये था, मेरे को पता था, मैंने घर पे नहीं बताया था मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि फिर वो पेरेंट्स हो जाते क्यूरियस कि क्या होगा क्या होगा, आया नहीं आया। तो ट्विटर पे आया था ऐसा कि आज आ जाएगा रिजल्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन नहीं आया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आया था एंड नोबडी नोज कि आ गया है, एकदम मॉर्निंग में आया। सबसे शॉकिंग था कि 8 बजे आ रहा है, मैं एकदम आँख खुल के मैं देख रही हूँ अपने रिजल्ट्स की, लोगों के रिजल्ट आए। तो मैंने अपना रिजल्ट चेक करा तो उसमें मेरे को बहुत, मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे को भगवान का नाम लिया कि देख ही जाएंगी। तो मैंने चेक करा और उसके बाद फिर मैंने देखा कि क्लियर हो गया, और मैं दूसरे रूम में बैठ के देख रही थी ताकि मैं रो भी लूँ अगर तो मम्मा ना देख पाए अच्छा, मुझे पता था कि फेल तो फिर तो मम्मा ना देख पाए मेरा रिजल्ट की, मतलब की रो रही है बैठ के, मैं मम्मी को थोड़ा जब नॉर्मल हो जाऊँ तब बताओ। तो वो था कि ठीक है, उसने लिखा था कंग्रेचुलेशंस, ठीक है, और फिर वो चीज इतनी सेटिस्फाइंग थी, मतलब वो ऐसा था कि यार सब कुछ अचीव कर लिया अब सब कुछ। तो वो पूरा ना वो पूरा माइंड में वो ऑन लूप चल रही थी स्टोरी की, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कितना रोना धोना, पढ़ाई, सारे सेक्रीफाइसेस करे, और उसके बाद फिर रहता था कि, और फिर फाइनली क्लियर हो गया। तो फिर मैंने मम्मा को बताया और मैं रोई, और मैंने बस रोते रोते उनको थैंक यू करा था, फिर भी रोया मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर भी रोई मैं, और मैंने रोते रोते थैंक यू करा था कि ये मेरी डिग्री नहीं है, ये आपकी है और थैंक यू, ये आपकी वजह से हुआ, मैं नहीं कर पाती इतना, जो कि बहुत ही सही बात है, मैं उनके बिना नहीं कर पाती, घर वालों के बिना। डेफिनेटली। सो आफ्टर दैट, लाइक आपने मेरे मेंटरशिप, मेरे कोर्सेज में आपने ज्वाइन किया, तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? मेरे को ना बहुत ही ऐसा था कि मेरे को फ्रेंड की किसी फ्रेंड ने बताया था कि 2 घंटे का कर लो, और मैं ना ऑनेस्टली मैं कर भी नहीं रही थी, मेरे को
था कि शायद इससे क्या ही हो जाएगा प्लेसमेंट वाले से. मुझे ऐसा था, मेरे को तो अभी भी थोड़ा सा लग रहा था शायद मैं प्लेसमेंट में नहीं हो पाए, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा वो है कि इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, शायद मैं उनको बीट ना कर पाऊँ, मेरे को ये लगा था. बट फिर मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि एक बार क्लासेस दे दो, बिकॉज तुम फेमिलियर नहीं हो जेडी से, तुम फेमिलियर नहीं हो वहाँ एकदम से तुमसे क्या पूछेंगे, तो जस्ट गो फॉर इट, एक बार ट्राई करके देखो. तो मैंने आपसे पूछा और वो चीज बहुत ही, मैंने कॉल करा सबसे पहले तो ये था कि आपने पहली कॉल पे उठा लिया, रिसीव कर लिया, और जो क्लासेस ले रहा है वो ही पर्सन कॉल पे बात कर रहा है, तो वो तो था कि ठीक है वो ज्यादा एक्सपोजर देगा, ज्यादा बता पाएगा. तो हाँ, क्योंकि बाकी लोगों के पास मैं नाम नहीं दूंगी, उनके पास रिसेप्शनिस्ट होते हैं उठाने के लिए, हमारे ये चार्जेस है ये है, तो वो चीज बहुत हेल्पफुल थी. आपने बताया क्लासेस के बारे में, मैंने ज्वाइन किया और चीजें सही होती गई. तो वो जो तुम्हारी जो जर्नी थी मेरे साथ, क्या लाइक वो सारी चीज़ें तुम्हें कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वो सारी चीज़ें दे पाई आगे के लिए? हाँ, जो आपके साथ मेरी जर्नी थी वो बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि वो ऐसा रहा है कि हमें ना, हमें आदत हो गई है, हम अभी इतना, हम कॉर्पोरेट लाइफ में इतना आगे नहीं आ पाए, तो फिर हमें ये आदत हो गई है कि कोई हमें ऐसा बेबी स्टेप्स बता दे उंगली पकड़ के कि अब ये करो, अब ऐसे करो, ठीक है. तो वो चीज आपने बताई है कि एकदम बताया कि अब ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और आप हमेशा कॉल पे रहे हो, मैसेजेस पे रहे हो कि नहीं, मैं मतलब आपने जिसकी लदी भी नहीं है ना ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, 2-3 महीने में भी आपने कॉल करके उन्हें गाइड किया है प्रॉपरली कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे चेंजेस करने चाहिए, शायद तुम यहाँ पे गलत हो, शायद वहां पे गलत हो. तो वो चीज बहुत ही हेल्पफुल थी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ्रॉम स्क्रैच से कोई बताओ, क्योंकि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता कैसे होने वाला है, जीडी कैसे होने वाला है, पैनल में कैसे लोग बैठेंगे, क्या पूछेंगे. तो आपने वो चीज बताई है कि ऐसे ऐसे होगा, फैमिलियर करवाया, तो वो चीज हमारे लिए जब हम गए प्लेसमेंट में तो वो नई नहीं थी. हमें पता था कि पैनल में लोग बैठेंगे, ऐसा ऐसा पूछ सकते हैं, जो कि उन्होंने वैसे ही पूछा जैसे आपकी बुक्स में था मोस्टली, और जो आपने हमसे मॉक इंटरव्यू लिया, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था. ओके ग्रेट. सो आफ्टर दैट लाइक आपका कैंपस में आपकी शॉर्टलिस्टिंग एक दो कंपनी में आई थिंक आई थी, राइट? हाँ हाँ जी, 2-3 तो कमरे में आई थी. उसमें लाइक कैंपस में जो आपके इंटरव्यूज हुए उसका क्या आपने ऑफर लिया या रिजेक्ट किया, ये आप थोड़ा सा बताओगे? हाँ जी, तो क्या हुआ कि ये थोड़ा पर्सनल स्टोरी भी है यहाँ पर, मैं मोटिवेट करना चाहूंगी जो सुन रहे हैं कि फर्स्ट ना फर्स्ट फर्स्ट डे मेरा कैंपस का, मैं 3 दिन होता है कैंपस, तो फर्स्ट होती है बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें हमारा मन करता जाने का, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी नहीं नहीं जा पाते यार, नहीं शॉर्टलिस्ट हुआ तो क्या हो गया. हाँ, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कि ठीक है तुम अगर नहीं भी फर्स्ट पे, बिकॉज दे ऑनेस्टली मेरा कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ITC थी, वेदांता थी और एक NBCC थी, राइट. तो उसमें क्या हुआ कि हाँ, तो फर्स्ट डे मेरा, मेरे को ना पहले पता लग जाता है, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले पता चल जाता है कि तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट कौन कौन है. और मेरे रहता था यार कम से कम इंटरव्यू लेने ही बैठा देते यार, एक्सपीरियंस ही हो जाता बाकी 2 दिन का. तो मैंने कहा ये कैसी चीज है, पर तुमने, सॉरी थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं हो रहा है मेरी बात, बट ऐसा लगा कि यार फर्स्ट इंटरव्यू देने बैठा देते, मेरी प्रैक्टिस तो हो जाती तो मेरे शॉर्ट लिस्ट में नाम ही था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का नाम था. मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब आई वॉज नॉट गेटिंग जेलस, ऐसा नहीं था, बट ऐसा था कि आई वॉज इंटरव्यूज ले लेते मुझसे. तो मुझे ये हुआ कि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी और मैं खुद से डिसअपॉइंटेड थी, तो मेरी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा हो गया होगा. बट ये हुआ कि जब भी हमारा इंटरव्यू था उससे 1 दिन पहले मेरी दादी की डेथ हो गई. याद है. ओके, और हाँ ये मेरा पर्सनल वो है तो मैटर है, सॉरी मैं डिस्कस कर रही हूँ. तो उसमें क्या हुआ कि दादी की डेथ होने के बाद मेरे को जो फर्स्ट डे था मेरा जिसमें मुझे इंटरव्यू देने जा सकती थी मैं, तो वो मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो मैं पूरा उनके जो प्रोसेस होती है एलिमिनेशन वाली उसमें थी. तो मेरे को वो चीज लगी कि शायद जो पता था ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स में कि ठीक है ये मेरा फर्स्ट डे, क्योंकि मुझे यहाँ इन्वॉल्व होना था इसीलिए मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं करा गया. तो वो मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था.
तो शायद इसीलिए मैं शॉर्टलिस्टेड नहीं थी। तो चीज है ना, ऐसा होता है कि वो तुम्हारे फेवर में ही होती है, बट तुम्हें इंटरप्रिटेट करना होता है ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। फिर सेकेंड थर्ड, हाँ जी, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड में मैं शॉर्टलिस्टेड थी। सेकेंड में मैं TPM में थी शॉर्टलिस्टेड, और एक और कंपनी थी उसमें थी शॉर्टलिस्टेड। थर्ड में भी दो तीन कंपनीज में शॉर्टलिस्टेड थी। मैंने इंटरव्यू सबके दिए, और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि बैठ जाओ इंटरव्यूज में, फेल हो रहे हो, GD में क्लियर भी हो रहा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ कैंपस भी, दैट विल हेल्प यू। बट खुद को मोटिवेट करो, और ऐसा मत समझो कि ये वाली कंपनी में तो मुझे जाना नहीं है, मेरे को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, ऐसा मत समझो। फिर में तुम्हें मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं, बैठ जाओ, सब में बैठ जाओ। तुम एक्सपीरियंस ही करोगे, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम लर्न करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सारे इंटरव्यूज में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि सेकंड थर्ड में ये हुआ था कि वॉक इन भी हो रहे, तो मैं वॉक इन में भी बैठ गई थी कि देखते हैं कि क्या होता है। So, आपका जो TPM का इंटरव्यू आई थिंक अच्छा गया था, मेरे मुझे जहां तक याद है। हाँ, तो ये हुआ मेरे साथ कि TPM का इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। मेरा, मैं GD राउंड में ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं GD राउंड में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, GD राउंड, ओके। और फिर सेकेंड और थर्ड राउंड थे, बट मैंने, क्योंकि मी बीइंग मी, तो मैंने ये बोल दिया, मैंने बोला भाई अपॉर्चुनिटी है, कोई बात नहीं, जो मर्जी हो। तो मैंने ना उनसे बात करी थी, मेरे को कहा, मैंने कहा कि मुझे मुझे तुम मुझे आप लोग, मैंने पैनल के लोगों से बोला था वहाँ पे जो थे TPM के, मेरी HR है जो अभी है, बबीता मैम है, मैंने उनसे बोला था कि मैम मेरा नहीं हो रहा इंटरव्यू, इट्स ओके, मतलब मैं GD में हो गई हूँ, ठीक है, आउट, बट आप मुझे एक बार बैठ के मेरे से क्वेश्चंस पूछ लो, अगर आपको लगेगा कि मैं सही कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझे मुझे जाने देना, थर्ड राउंड पे भी मत करना, बट मुझे एक चांस दे दो, ओके। तो वैसे भी बच्चों को चांस दे रहे थे, ठीक है, बिना GD के भी। तो मैंने कहा, मैंने बस एक पेश करी कि एटलीस्ट मेरे को एक चांस दे दो, अगर नहीं भी हुआ तो मुझे आउट कर देना, आई एम ओके विद। तो उन्होंने मुझे चांस दिया, फिर सेकेंड राउंड मेरा क्लियर हो गया नेटली, और फिर थर्ड राउंड एंडी राउंड था, तो उनके साथ भी क्लियर हो गया। और फिर धप्पा ये हुआ कि मेरे को होल्ड पे रख लिया, और मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि मेरे को होल्ड पे रखना ही, मुझे लगा ये तो क्लियर ही हो गया। तो पांच लोग चाहिए थे, उन्हें पांच कैंडिडेट, वो सब हो गए, और मेरे को होल्ड पे रख दिया, बोला अगर कोई बैक आउट करेगा या अभी कोई चाहिए होगा तो विल कॉल। ओके, सो आफ्टर दैट फिर आपने ऑफ कैंपस स्टोरीज अपनी स्टार्ट की। हाँ, आफ्टर दैट मैंने ऑफ कैंपस स्टोरी स्टार्ट करी, मैंने बहुत जगह अप्लाई करा, बहुत जगह, मतलब आई वुड से कि थैंक यू टू रोहन सर, जिन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा, मतलब इंटरव्यूज में बैठ जाओ, तुम जहाँ पे भी इंटरव्यू होगा देने जाओ। सो फिर आपने ऑफ कैंपस अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइट? हाँ जी, तो ऑफ कैंपस जर्नी मेरा ऐसे हुई है कि थैंक यू टू रोहन सर, मैं सर ने बोला है कि जो जितने भी इंटरव्यूज हो रहे होंगे, जहाँ पे भी तुम शॉर्टलिस्टेड हो रहे हो, वहाँ पे देने चले जाओ, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, तो तुम एटलीस्ट इंटरव्यूज दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं आई वोंट टेक द नेम, बट मैं पीरागढ़ी गई हूँ, मैं ओखला गई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा Naukri.com से या मेल्स पे मुझे रिप्लाईज आ रहे थे कि ठीक है तुम आ जाओ, और शॉर्टलिस्ट हो रही थी, मैं गई हूँ, मैं वहाँ पे इंटरव्यूज दिए, वो एक्सपीरियंस ही रहा है मेरे लिए, इवन तो मैं आगे हुआ है प्रोसेस या नहीं हुआ, बट मेरे लिए ये था कि हाँ ठीक है। मैंने मीनवाइल दो तीन महीने में आई वुड से मैंने 10 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए ओवर, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो उसमें हो, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल, ऑफलाइन वीडियो कॉल, या हाँ, ये एक्सपीरियंस रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए इस चीज में कि ठीक है, तुम अपने रिजेक्शन को, आई वुड से रिजेक्शन को रीडायरेक्शन समझो, राइट, वो तुम्हारी लाइफ के लिए, हाँ, एक रीडायरेक्शन है, तुम्हें कहीं ना कहीं वो सिखा ही रहा है, और कहीं ना कहीं तुम्हें लेके ही जाएगा, तो टेक इट एज अ पॉजिटिव। और फाइनली ऑफ कैंपस में भी आपके पास दो ऑफर ऑलमोस्ट थे, माइक्रोटेक एंड जेनपैक का। मेरे पास ऑफ कैंपस में मेरे पास माइक्रोटेक का था एक ऑफर, और मेरे पास जेनपैक का था। माइक्रोटेक में मेरे को ऑफर लेटर मिला नहीं था, बट हमारा डिस्कशन हो चुका था। जेनपैक का था, WNS का भी था,
अच्छा तो हम पर दो तीन ऑफर थे अच्छा तो फील कैसा हो रहा था कि लाइक कि यार ये तीन तीन ऑफर आ चुके हैं और एक टाइम कुछ नहीं था और एक टाइम तीन, लाइक वो आपने अपने लाइक सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑफर्स को रिजेक्ट किए बट आपके हाँ पास ऑफर्स थे। एग्जैक्टली हाँ, मेरे पास माइक्रोटेक का था, जेनटेक का था और डब्ल्यूएनएस का भी डब्ल्यूएनएस था। डब्ल्यूएनएस में ये हुआ कि हाँ कि थोड़ा सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो इस नेगोशिएट भी नहीं कर रहे थे वो लोग, तो देते नहीं। बट मेरे को वो फील था कि यार ठीक है चीजें हो रही है ओके। बीच में लग रहा था कि यार कब तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे, 2 महीना हो गया डिग्री हुए में, मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी जो फ्यूचर सीएमएस है उनको ऐसा लगे कि यार 2-3 महीने हो गए डिग्री के, सीएमए का हम अभी भी अनएम्प्लॉयड है। तो ये चीज तो वैसे मतलब नेगेटिव मतलब सबकी जॉब लगेगी, और वो चीज मेरे माइंड में ऑन लूप चल रहा था। रोहन सर ने कहा था जॉब तो सबकी लगेगी, किसी की लेट लगेगी, किसी की जल्दी लग जाएगी, किसी की ज्यादा पैकेज मिलेगी, किसी की कम में लगेगी, पर जॉब तुम सबकी लगेगी और अच्छी जगह लगेगी। या तो आफ्टर दैट फिर आपका टीपीएम से फिर कॉल आया राइट? वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा था, शॉकिंग था, बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल था, क्योंकि मैंने मैंने सोचा कि ठीक है मैं देख लेते हैं इंटरव्यू जाके जेनपेक का। तो मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसका 15 से स्टार्ट था, मतलब 2-3 वीक्स बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। तो मैंने डीटीएम वालों ने उन्होंने कॉल किया कि आ जाओ हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, तो तुम आज इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैंने कहा आज एकदम से आ जाओ, कल कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं आज ही आ जाओ। तो फिर जब मैं वहां गई, वहां पे मेरे 2 राउंड हुए और उसके बाद मुझे एकदम से बोल दिया कल से ज्वाइन कर लेना। तो वो कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा सा थी मैं शॉक थी यार, अभी तो एक भी चीजें नहीं आ रही थी, और मुझे जहाँ जाना था, जहाँ टीटीएम के लिए, मैं रो रही थी कि मेरे को होल्ड पे रख दिया यार, कोई बैकआउट भी नहीं कर रहा जो मुझे उनकी जगह ले ले। तो मैंने कहा यार मैं तो इतना सोचती थी कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है, और अभी खुद मेरे पास आए हैं क्योंकि उनको चाहिए था कोई कैंडिडेट। तो मेरे को वो चीज बहुत ही ज्यादा सही थी एक्सपीरियंस मेरा। ओके सो फाइनली आपको वही पैकेज ऑफर मिला जो कैंपस में टीपीएम ने बाकी कैंडिडेट्स को दिए थे राइट? हाँ जी वही वही पैकेज मिला। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? एट द एंड आप कह सकते हो आप कैंपस प्लेस्ड ही हो मैं ये नहीं कहूंगी मैं कैंपस प्लेस हूँ, क्योंकि मैं ऑफ कैंपस भी धक्के खाए हैं, तो लोग जो देख रहे हैं, मैं उन्हें कहूंगी सब कुछ सही होगा यार, सबकी जॉब लगेगी ठीक है। मोटिवेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेल्फ सफिशियंट रहो ठीक है। और अभी तो मुझे ये फील हो रहा है कि ठीक है सब कुछ, हाँ सब कुछ, ये सारी चीजें लिखी हुई थी जो हुई है मेरे को, क्योंकि अगर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, अगर मैं इसको पॉजिटिव देने दूँ, तो मैं शायद वो 10 रिजेक्शन या 10 इंटरव्यूज फेस नहीं कर पाती। टीपीएम के बाद शायद मेरा नेक्स्ट जॉब जो होता अगर स्विच करने का, तो वो शायद वही इंटरव्यू होता, वही फेस करती। मैं ये 10 जगह टीरागढ़ ओखला जाके मैं जगह जगह इंटरव्यूज नहीं देती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है कि मुझे अब जाके मिली है, अब जाके उन्होंने ऑफर लेटर दिया टीपीएम वालों ने, क्योंकि मैंने वहां बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी है, मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस भी करी ऑफ कैंपस में, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी था मेरे लर्निंग के। सो एट द एंड लाइक आप स्टूडेंट्स को मेरी मेंटरशिप लेना सजेस्ट करोगे? मैं तो डेफिनेटली करूंगी सर मैं तो सॉरी ये थोड़ा इनफॉर्मल इंटरव्यू चल रहा है, मैं तो सर की फैन हूँ, जो भी देख रहा है वीडियो उन्होंने बोलूंगी कि मैं तो बोलूंगी कि सर की गाइडेंस लें। और आई वुड से कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, पर मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर हेल्प चाहिए तो उन इंस्टीट्यूट जाने से अच्छा जिसमें 2-3 लोग हैं इन्वॉल्व और कोई कभी रिप्लाई कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, सर से करो और सर सबको रिप्लाई करते हैं। बिलीव मी हमारे स्टूडेंट में, एज अ स्टूडेंट हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आ रहे, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, एक दो दिन बात कर रहे हो तुम तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और मैं तो नहीं बोलूंगी अगर सर मुझे बोले ना कि मेरा मेरा ब्रोशर लेके खड़े हो जाना रोहन अच्छा सर की क्लास, तो मैं खड़े भी हो जाऊंगी। मेरे को ऐसा लगता है कि सोहन सर इस चीज में बेस्ट है, तुम बस उनसे कनेक्ट हो जाओ और तो यू विल फील कि ऐसा लगेगा कि घर के मेंबर है जो मैं गाइड कर रही हूँ, राइट।
वो मेरे को, मैं तो कभी गाइड करूंगी, मेरे मेरे से जूनियर्स जो भी मुझे कॉल करके पूछेंगे ना क्या करना है, तो मैं रोहन सर का सेंड करूंगी सबसे पहले नंबर। यार डेफिनेटली. अच्छा देखो, एक्चुअली मेरा थॉट ये है ना कि अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर जब तक नहीं दूंगा ना, तब तक तुम्हारे माइंड में वो चलता रहेगा जो भी स्टूडेंट है, और वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेटिंग जैसे आपने बताया वो होता है. इसलिए मैं इमीडिएट रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स को कि नहीं यार, उसका डाउट है, उसकी प्रॉब्लम है, एंड उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट स्टेज पर फोकस नहीं करेगा. यही चीज होती है, और बाकी जगह भी मतलब हमने फील करते हैं, चाहे वो हमारे कोर्स से रिलेटेड डाउट थे या फिर ये वाले डाउट है प्लेसमेंट के। तो आपने सब कुछ बताया, और सबसे ज्यादा हेल्पिंग ये रहा है कि तुम अगर स्टूडेंट हो और तुम्हें तुम्हें पता नहीं वहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, तो अगर मैं आप मुझे बताते नहीं ना कि ऐसे ऐसे होता है, GD होता है, पैनल में लोग भी होते हैं, तुम्हारा एक टेस्ट भी हो सकता है पहले, जैसे किसने लिया था, ITC ने लिया था शायद, तो ये सब चीजें जो रोहन सर ने फैमिलियर करवाई है हमें, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं था, हम गए हमें पता था ऐसा ऐसा होना है, GD होना है, उसके बाद 2-3 राउंड होना है, तो ये चीजें थी जो हम पहले से ही पता था, रोहन सर हमें रेडी करवा रहे थे, चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू हो, चाहे वो अपनी बुक्स में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा, हमारे क्लासेस दे रहे थे, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी। अच्छा, मेरे बुक्स कैसे लगे आपको पर्सनली? जो मेरे बुक्स थे, नोट्स थे. मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि वो बहुत क्रक्स में लिखा है, तो मैं कुछ बुकिश लैंग्वेज नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो वैसे भी मेरे को रीड करना इतना पसंद नहीं है, तो सच में वो कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक को उठा के उसमें बहुत क्रक्स में लिखा है, और जितना प्रिसाइज मैनर में लिखना चाहिए था उसी में उतना ही उतनी चीजें हैं। और मैंने एक्सपीरियंस भी करा है कि मेरे इंटरव्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछे गए थे जो मैंने बुक पढ़ी थी ओके, सर की। सो फाइनली आपकी CMA जर्नी की एक हैप्पी एंडिंग हुई है और एक जर्नी स्टार्ट हुई है एज ए CMA प्रज्ञा नेगी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो आप जब आपका अभी TAP में आपने ज्वाइन किया, तो आपका पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? बिकॉज बीच में हमारी बातचीत होते रहती थी, तो कहीं ना कहीं जैसे आप थोड़ा सा सैड थे, तो अभी जब आपने TAP ज्वाइन किया तो मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं? मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ऑनेस्टली, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं यंगेस्ट हूँ अपने घर में, तो उन्हें उन्हें नहीं लगा था कि ठीक है इसकी जॉब वॉब भी लगेगी, ये कहाँ अर्न भी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है ये, तो उनको जैसे मैंने बताया कि नहीं मुझे प्लेसमेंट से कॉल आई है मम्मा, तो शीतक की मतलब उनको उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ठीक है प्लेसमेंट वाला दोबारा कॉल करके इनसे पूछा है, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा था, और अब उन्हें लगता है कि अब मतलब ऑनेस्टली अब उन्हें लग रहा है कि ठीक है अब ये है जो इंडिपेंडेंट हो गया है, ये हमारा किड है जो इंडिपेंडेंट हो गया, अब हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज ना जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो तुम्हें बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है कि तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे, आप पूरे टाइम तक, पूरा 23-24 साल तक उन्होंने तुम्हारे लिए कराया है, और अब तुम उन्हें उन्हें आई वुडन्ट से रिटर्न दोगे, क्योंकि वो हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं, बट तुम उन्हें खुश करोगे, अब तुम उन्हें अपने सैलरी से, फर्स्ट सैलरी जो आएगी तुम उन्हें गिफ्ट दोगे फर्स्ट सैलरी से, और तुम उन्हें बोलोगे वो सब तुम्हारा हो गया, अब हम विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक्स. तो बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, एंड होप सो कि आप लाइफ में और भी अचीवमेंट्स लो, और हम आपको बुलाते रहें और आपकी स्टोरीज रिकॉर्ड करते रहें फ्यूचर जर्नी की भी. मेरा तो यही हाँ होप है अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए. जी, और मैं यही कहूंगी एट दी एंड कि अगर आप कहीं पे भी हो रहे हो, कहीं तुम्हें फोकस नहीं कर पा रहे हो इस चीज को लेके कि क्या क्या करना चाहिए, या अभी अभी भी डायलेमा में हो पता नहीं क्या होना चाहिए, तो रोहन सर से प्लीज कनेक्ट करो, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और रोहन सर ने मेरे को कुछ भी वो नहीं करा है, कुछ ऐसा राय नहीं दिया है जो मैं इतना अच्छा बोल रही हूँ कि उनके बारे में, पर ऑनेस्टली तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा रोहन सर हाथ मेरे को हाथ पकड़ के बताएंगे, वो होता है ना बच्चों को हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, रोहन सर हाथ पकड़ के बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक्स प्रज्ञा, एंड ऑल द बेस्ट. थैंक बाय बाय. यू सो मच रोहन सर, बाय बाय।